हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है शाम को मेहंदी का फंक्शन। हर्षित की मेहंदी के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ हर्षित की प्यारी सी मम्मी से। तो ये सब लोग मिल लो। ये है हर्षित की मम्मी। तो आंटी, आज कौन कौन से फंक्शन है? आज बेटा मातृ पूजन है और उसके बाद मेहंदी है। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है, देखो सबको बड़ी खुशी है हर्षित की मेहंदी की। और ये हो गई है पूरी डेकोरेशंस। लेकिन अभी दूल्हे राजा गए हैं बाहर कुछ अपनी शक्ल सुधरवाने, जब वो आएंगे तो उनसे भी मिलवा देंगे। घर पे मैं और आंटी अकेले थे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी पैम्परिंग की जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स पे लगाई नेल पेंट, फिर उसके बाद मैंने आंटी के हेयर्स को स्ट्रेट करना शुरू किया और हम लोगों ने बहुत सारे गप्पे लड़ाए। फिर नीचे आ गए थे पंडित जी, और यहाँ पे कोई रस्म चल रही थी जो मैंने पहली बार देखी थी। आप लोगों ने ये रस्म देखी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसमें हर्षित के पापा के पैर पे आलता लगा रहे थे। तो आप लोग मिल लो हमारे दूल्हे राजा से। मैं जो मेहंदी अप्रोप्रिएट कपड़ों में एकदम तैयार थे, और हम लोग भी इनकी मेहंदी के लिए एकदम तैयार सज धज के बैठे थे। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देख लो, दिस इज़ मी। पकड़ो, देखो कितने बड़े डांस कर रहे हैं। नहीं नहीं करो, करने दो। उन्हें मेहंदी लग चुकी है और नाम लिख चुका है। अभी दूसरे हाथ में भाभी का नाम लिखा जाएगा। खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। और शादी के बाद कैसा लगेगा? दुख होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। we'll be right back.
और ये था सबसे मुश्किल टास्क, हर्षित को डांस करवाना, क्योंकि इस इंसान को बिल्कुल डांस नहीं आता और ये डांस के नाम पे बस करके भागना जानते हैं। लेकिन आज इनकी मेहंदी थी और मैंने इनसे कहा था कि डांस तो करना ही पड़ेगा, तो फाइनली ये मान गए कि चलो ठीक है, बताओ क्या करना है। अब ऐसे सूख भी जाएगी। डांस और फोटोशूट के बाद हम सारे दोस्त मिलके चले गए थे बाहर। घर में बहुत सारा खाना बना था लेकिन हमें आवारा गर्दी करने में बहुत मजा आ रहा था, तो हम बाहर गोलगप्पे खाने गए थे। लेकिन फिर थी लास्ट परफॉर्मेंस जो हमें देखनी थी, इसलिए हम घर वापस आ गए। आफ्टर मेहंदी तुले का ये हाल था, ये फूल तोड़ रहे थे हल्दी के लिए। हल्दी पहले होती है, हमारे यहाँ मेहंदी खत्म हो गई है, जो कि आप देख रहे हैं। हम लोग हल्दी की तैयारी कर रहे हैं, मेहंदी रच रही है अभी, रचने अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है। रात में हम सब लोगों ने मिलकर बहुत हंसी मजाक किया। एंड अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज चुपकर हैप्पी।